50-60 सालों में, 100 सालों में ऐसा बहुत हुआ है कि स्त्रियों की गर्भ से रिलेटेड जो समस्या है वो बड़ी है। ऐसा कहते हैं कि पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं वो 2 में से 1 महिला है। अगर आप पहले के ज़माने में पाएंगे तो आप पाएंगे कि स्त्रियां बहुत बड़े पैमाने पर गारमेंट्स वहन करती थी, स्पेशली पैरों में वो चांदी पहनती थी, जो पॉइंट्स है एक्यूप्रेशर के उसमें भी चांदी का उपयोग करती थी, जिसके कारण उनके शरीर के भीतर चंद्र की ऊर्जाएं सीमित रहे, संचालित रहे, सही तरह से काम करे। चांद पर हमारा कुछ हो नहीं सकता, उसका कारण ये है, एक तो वहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है और दूसरी चीज़ कि वहाँ की जो सॉइल है उसमें हीलियम 3, तो उसके कारण वो जो सॉइल है वो पहले ही पॉल्यूटेड है और उसकी ग्रेविटी इतनी कम है कि उसके आसपास जो एनवायरमेंट है वो कभी बन ही नहीं सकता, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें। इसलिए गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में पता किया गया और वो था मंगल। इसलिए दुनिया भर के सब लोग जानते हैं कि मंगल पर जाने की एक होड़ मची है, चाहे वो भारत हो या दुनिया भर का कोई भी देश हो। चंद्र स्त्री के गर्भ पर कंट्रोल करता है, बहुत ज्यादा उसकी ऊर्जा है स्त्री के गर्भ पर चलती। मैं आपको लिख कर देता हूं कि पिछले 50-60 सालों में, 100 सालों में ऐसा बहुत हुआ है कि स्त्रियों की गर्भ से रिलेटेड जो समस्या है वो बड़ी। ऐसा कहते हैं कि पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं वो 2 में से 1 महिला है। गर्भ से रिलेटेड जो चीज़ें तकलीफ दे रही है स्त्रियों को, वो 2 में से 1 महिला को गर्भ तकलीफ देता है पीरियड्स के दरम्यान। वो बात उसके बहुत से रीज़न कहा गया कि खान पान में फ़र्क है, ये है वो है फलाना है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा मानता है, ज्योतिष शास्त्र मानता है कि क्योंकि स्त्रियाँ अब चांदी का प्रयोग अपने शरीर पर करना बंद कर दिया है, इसलिए उन्हें ये समस्याएं बढ़ी। अगर आप पहले के ज़माने में पाएंगे तो आप पाएंगे कि स्त्रियां बहुत बड़े पैमाने पर गारमेंट्स वहन करती थी, स्पेशली पैरों में वो चांदी पहनती थी, जो पॉइंट्स है एक्यूप्रेशर के उसमें भी चांदी का उपयोग करती थी, जिसके कारण उनके शरीर के भीतर चंद्र की ऊर्जाएं सीमित रहे, संचालित रहे, सही तरह से काम करे। अब जो चीज़ मैं आगे बोलने वाला हूँ उसके बाद कोई ये ना समझे कि मैं कोई बायोलॉजिकल एक्सपर्ट हूँ, मैं बस वो कह रहा हूँ जो ज्योतिष शास्त्र इस चीज़ में मानता है। अगर कोई भी महिला अपने शरीर पर 64 ग्राम से ज़्यादा चांदी वहन करती है पैरों में, लेकिन शुद्ध, अगर आप मार्केट से उठाएंगे तो आप पाएंगे कि 93.7%, 92.5% चांदी शुद्ध है, बाकी सब मिलावट है, वो टीन टप्पर जो होता है ना, टीन, वो उसमें मिक्स कर देते हैं, इसलिए वो चांदी जो है वो तुम्हारे शरीर पर काली गिरेगी। तो ज्योतिष शास्त्र मानता है कि अगर कोई भी स्त्री अपने शरीर पर, अपने पैरों में टोटल ना दोनों पैरों को मिलाकर 64 ग्राम से ज़्यादा चांदी यूज़ करेगी, तो वो पाएगी कि उसके गर्भ से रिलेटेड जो बहुत सी समस्या है वो अपने से कम हुई, खत्म हुई ये नहीं कह रहा हूँ, उसमें उसको बहुत आराम गिरा, क्योंकि अब चांद की ऊर्जा उस सिल्वर पर गिरकर उसके गर्भ को आराम देगी। तो मैं कहूंगा कि कर देखना एक बार, जिन भी लड़कियों को, महिलाओं को इस तरह की तकलीफ है, 64 ग्राम चांदी कोई ज़्यादा महंगी नहीं होगी, जो ज्वेलर है उसे कहना कि शुद्ध बना के दे, पूरी तरह से शुद्ध बना के दे, चाहे थोड़ा 100-200 ज़्यादा लगे, और उसका फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि अगर तुम पहनोगे, अगर तुम्हें फ़ायदा नहीं भी हुआ तो बेच सकते हो, कोई घाटे का सौदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें पड़ी रहेगी और पैसा वेस्ट हो जाए, बेच भी सकते हो, लेकिन कर देखना, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा माहिर पाता है। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि जिस तरह से किसी इंसान के जन्मते वक्त उसका बहुत कीमती है, तो आज तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को इतना मानते हैं कि अगर खुद के घर पर बच्चा जन्माना है तो वो बड़ा टाइम लेकर उसी, क्योंकि अब डिलीवरी जो है वो ज़्यादा होती है ना, मतलब क्या होता है वो सीजरिंग, डिलीवरी में जो सीजरिंग का जो पैटर्न आया है वो ज़रा ज़्यादा है, तो लोग ना अपना टाइम निकाल कर बच्चों को बाहर निकालना पसंद करते हैं कि सही समय पर अगर उसका जन्म हो तो बहुत सारी समस्याएं उसे नहीं आएंगी। लेकिन मजे की बात मैं आपको बताऊं कि सच तो यह है कि वो भी समय नहीं है उसके जन्म का। अगर हम डीप में बात करें, जो जानने वाले लोग हैं वो अगर डीप में जाए तो सही समय वो है जब वो आत्मतत्व उस शरीर में प्रवेश किया, जब वो आत्मतत्व उस शरीर के भीतर गया। तो विज्ञान, इस विज्ञान को मानने वाले लोगों का ये मानना है कि अगर सही नक्षत्र में अगर कोई स्त्री पुरुष भोग कर ले और उस समय उसमें अगर गर्भाधान हो जाए तो वो है पहली एंट्री, और उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा वो तो हम बाद में देख ही ले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय वो है जब वो आत्मतत्व उस गर्भ में प्रवेश कर रहा है, जब वो गर्भ बन रहा है, ये समय बड़ा मौल्यवान है।
इसलिए खजुराहो के मंदिर अगर तुम देखोगे तो हैरत में पड़ जाओगे। जिस चीज के लिए तुम दुनिया भर में छी छी करते घूमते हो, अपने बच्चे के सामने सेक्स इस सब का इस्तेमाल करना भी गलत मानते हो। अगर किसी ने वासना भी कह दिया तो तुम अपनी मुंडी मुड़ा लेते हो। अगर टीवी पर अगर थोड़ा भी कोई सीन तुम्हें दिख गया, कोई किस करते हुए भी, तो भी तुम टीवी बंद कर दोगे और चैनल पलट दोगे। तुम जान के बड़े हैरान हो जाओगे कि मध्य प्रदेश के जो मंदिर है खजुराहो के टेम्पल, वहां के पूरे मंदिर पर भोग करते हुए मूर्तियों को कोरा गया। और वो इसीलिए कोरा गया, इस समझ के साथ कोरा गया कि ये कोई गंदी चीज नहीं है, ये कोई खराब चीज नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके कारण तुम्हें तकलीफ हो। ये तो जीवन की निर्मिति का कार्य है। इसे अगर तुम इतनी पवित्रता के साथ देखोगे कि इससे जीवन की निर्मिति हो रही है, तो शायद तुम्हें इतनी समझ आ जाए कि सिर्फ वासना से भोग करने से बेहतर है कि अगर तुम नई निर्मिति के रीजन के हिसाब से शारीरिक संबंध बना रहे हो, तो अब थोड़ा उसमें तुम्हें समझ आ जाए, तुम इस चीज को समझ सको कि सही जगह पे सही कॉस्मोलॉजिकल बेनिफिट्स के साथ अगर तुम उन चीजों को करोगे, तो जो गर्भ निदान है, जो गर्भ तुम्हारे भीतर बनेगा, उसकी आत्म तत्व भी बहुत बड़ी होगी, जो चेतना उसमें आएगी वो भी बड़ी होगी। तो ये लोग, मैं आपको एक विज्ञान का सीक्रेट बोलूं, 1969 में पहली बार इंसान चांद पर गया, फर्स्ट लैंडिंग। उसके पहले हुए कुछ, लेकिन वो वहां तक गए, लैंडिंग नहीं। अपोलो 11 ने 1969 में पहले बार चांद पर कदम लगा। जो दो लोग थे ना, हम पता है कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग और दूसरा कुछ बड़ा सा नाम उसका, पहले वो याद रख। कहने की बात यह है कि 1969 में जब इंसान चांद पर गया तो वो उसकी पहली कोशिश थी और वो सक्सेसफुल। कहा जाता है कि उसकी कंप्यूटर की जो साइज थी, उसमें जितनी साइज थी वो थी 5 KB। उसके बाद हुआ ये कि आदमी को ये समझ गया। अब बहुत से लोग बहुत सारी बातें करेंगे कि वो एलियन फेलियन, वो हम कभी बात देखेंगे एलियन पे बात कर, लेकिन बेसिक चीज समझ लो कि इंसान को ये पता चला कि चांद पर हमारा कुछ हो नहीं सकता। उसका कारण ये है, एक तो वहां पर ग्रेविटी बहुत कम है, और दूसरी चीज कि वहां की जो सॉइल है उसमें हीलियम 3, तो उसके कारण वो जो सॉइल है वो पहले ही पॉल्यूटेड है, और उसकी ग्रेविटी इतनी कम है कि उसके आसपास जो एनवायरमेंट है वो कभी बन ही नहीं सकता, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें। तो इंसान ने पाया कि इस पर ज्यादा मेहनत लेना या इस पर ज्यादा मिशन भेजने में कुछ पड़ा नहीं है, हमें दूसरे ग्रह पर ढूंढना चाहिए। इसलिए गोल्डीलॉक जोन के बारे में पता किया गया, और वो था मंगल। इसलिए दुनिया भर के सब लोग जानते हैं कि मंगल पर जाने की एक होड़ मची है, चाहे वो भारत हो या दुनिया भर का कोई भी देश हो। इलॉन मस्क जैसे लोग तो कहते हैं कि मैं मंगल पे ही मरूंगा, मर उस पे, मतलब जा बाबा तीसा मर, कहीं हरकत नहीं। लेकिन कहने की बात कि मंगल पर जाने की एक अलग ही दौड़ मची हुई है दुनिया भर में। 2024 में तो मिशन भी लॉन्च हो जाएंगे, 100 सालों में पूरी की पूरी 1,000 लोगों की वहां पर सिटी होनी चाहिए, $10 ट्रिलियन का टोटल प्रोजेक्ट, ऐसा बहुत कुछ। प्रॉब्लम यह है कि 1970 में अगर पहली बार वहां पे हम गए, तो अभी तक भी हम जा नहीं पाए अगले 60 सालों। क्या हमारा विज्ञान इतना कच्चा है? क्या वैज्ञानिक प्रगति इतनी कच्ची हुई? उसके मल्टीपल रीजंस है, और जो लोग गहराई में जानते हैं, जो इन प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं, वो एक चीज को बड़ी प्यारी से जानते हैं, और ये है, और वो चंद्र से ही संबंधित है। और वो संबंध ऐसा है कि वो जानते थे कि स्त्री के गर्भ ही वो चीज है जो इस पृथ्वी पर हमें जीवन दे रही। अगर स्त्री का गर्भ ही ना ही हो तो इस पृथ्वी पर जीवन बन पाएगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। अगर कोई स्त्री माँ ही नहीं बनेगी तो काहे का जीवन और काहे की पीढ़ी। तो अगर हम किसी भी दूसरे सिविलाइजेशन में जाएंगे, किसी भी दूसरे ग्रह पे जाएंगे, तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि ये जो स्त्री का गर्भ है ये बराबर से काम करता है। जिन्होंने इस चीज को डीप में जाना, उन्हें समझ आया कि ये जो चांद सितारे या आसपास के ग्रह है ये एक दूसरे पर बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। ये मंगल स्त्री के गर्भ पे जो काम कर रहा है वो बड़ा निकटवर्ती है। अगर हम किसी दूसरे जगह पर, किसी दूसरे ग्रह पर चले जाएंगे, तो उसके एक तो इफेक्ट ये होंगे कि वहां की जो ग्रेविटी है वो हमारे शरीर को तोड़ेगी, क्योंकि हजारों सालों तक हमें इस ग्रेविटी की आदत लगी। दूसरी चीज ये है कि उस ग्रह के आसपास के जो मंगल है, या उस सॉरी उस ग्रह के आसपास के जो चंद्र है, वो किस तरह से उस ग्रह पर जीने वाली उस स्त्री पर इफेक्ट डालेंगे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे स्त्री को, हमारे पृथ्वी की स्त्री को पृथ्वी की आदत है, यहाँ की ऊर्जाओं की आदत है, इस गर्भ को इस चांद की आदत है। अगर ये किसी दूसरे ग्रह पर जाएगा तो ये गर्भ काम नहीं करेगा बराबर से। और मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बोलूं कि हर वो सिविलाइजेशन जिसने इस चीज को सोचे बगैर अपनी दुनिया को छोड़ा, वो ज्यादा समय तक टिकी नहीं। बहुत सी
सिविलाइजेशंस है जो हमेशा उन्होंने ट्रैवल किया है एक ग्रह से दूसरे ग्रह, क्योंकि तुम तो अभी आए भाई 5,000 साल, अगर तुमको ऐसा लगता होगा कि इस दुनिया में तुम ही इकलौते तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। और रही बात विज्ञान की, तो मैं तुम्हें कहूँ कि विज्ञान को खुद का ही खुद को पता नहीं, तुम काय को उसके भरोसे उड़ा मार रहे। बिल्कुल सीधी बात, जैसे कि E=mc² के बारे में विज्ञान ने बड़ा डोल छोल से हर किताब में छपवा दिया, 100 साल के बाद पता चला E=mc². जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कॉन्स्टेंट डाला गया, 100 सालों तक तो पूरी दुनिया में माना। अब भी आज से एक साल पहले दिसंबर पिछले साल जो जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया गया, उसने जो प्रूफ भेजे जून 2022 में, हमें पता चला कि ग्रेविटी की जो पूरी की पूरी हमारी सोच है या जो हमारे कांस्टेंट एरियाज है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो कांस्टेंट है वही गलत है। अभी 2014 में ऐसा हुआ कि हमें पता चला कि ये बड़ी मजे की बात मैं आपको बताऊं विज्ञान की, अभी कुछ महीने पहले एक ब्लैक होल ढूंढा गया, वो ब्लैक होल हमारे सूरज से बस 3 गुना ज्यादा दूर है। हाँ, और पता ही नहीं था, मतलब हमारा अंतर जितना हमारे सूरज से है उससे बस 3 गुना दूर वो ब्लैक होल है, कुछ डेढ़ हजार प्रकाश वर्ष दूर है सूरज से 3 गुना नहीं, मतलब बहुत दूर, लेकिन कुछ 1,500 प्रकाश वर्ष दूर है। और ये जब हम कॉस्मिक हिसाब से बात करते तो ये जो आंकड़ा है 1,500 प्रकाश वर्ष कुछ भी नहीं है, तो बहुत छोटा आंकड़ा है। मजे की बात यह है कि ये जो हमें ब्लैक होल मिला ये उतने बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है और उतने बड़े पैमाने पर खुद को बचा रहा है जैसा हमने आज तक नहीं देखा। जो ब्लैक होल की हमारी समझ यह है, कि वो हर चीज़ को खुद में भगटक लेता। ब्लैक होल का ये मतलब है कि कोई ऐसा धातु जिसकी जो गुरुत्वाकर्षण है वो इतनी स्ट्रांग हुई कि अब सूरज का प्रकाश भी उससे छट नहीं सकता, दूर नहीं जा सकता, चाहे ग्रह कितना भी बड़ा हो वो उसको खा लेगा पूरा का पूरा खत्म कर देगा। लेकिन वैज्ञानिकों को पता कैसे चलता है कि इसने खाया? वो खाया इसलिए क्योंकि ये जो बड़ा ग्रह है जब वो खुद में खींचता तो वो रेडिएशन जो वो फेंकता ग्रह, जो हीट निर्माण होती है उस ग्रह को छीनते वक्त, उस खाते वक्त, वो जो पूरा का पूरा हॉकिंग्स रेडिएशन के द्वारा वैज्ञानिक पता कर लेते कि हाँ ये भाई बच्चे ने खा लिया बड़े आदमी। ये वैसे ही है कि कृष्ण गए और बड़े से कंस को मार दिया, छोटा सा बच्चा लकड़ा लुकड़ा बड़े वाले कंस को मल्ल युद्ध में मारा, वो ब्लैक होल की जैसे। इसलिए मजे की बात यह है कि मराठी में ब्लैक होल को कृष्ण भी बन गए। अरे इससे कुछ संबंध मत ले लेना, इस्कॉन वाले खुश हो जाएंगे। कहने की बात यह है कि इस विज्ञान की जगत में हमारी जो नॉलेज है वो बहुत कम है, जो भी प्रूफ हमें मिलते हैं उसके हिसाब से हमारी दिमाग बदलते रहते हैं। तो विज्ञान को पकड़ कर मत बैठना, वैज्ञानिक का काम है क्यूरियस रहना, वैज्ञानिक का काम है हमेशा पता करते रहना, वैज्ञानिक का काम है हमेशा जानने की स्थिति में रहना। वो वैज्ञानिक किसी काम का नहीं है जो जान नहीं रहा, जो पता नहीं कर रहा, जो ढूंढ नहीं रहा। और वो लोग जो तुमसे कहते हैं कि विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानते, स्पेशली भूत प्रेत के बारे में आता है, कोई आता है और कहता है कि नहीं हम भूत प्रेत में नहीं मानते, तो फिर दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में PhD दे रही है, मास्टर्स करा रही है, क्या वो बेवकूफ है? जो इक्विपमेंट निकले और इक्विपमेंट के द्वारा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, क्या वो बेवकूफ? भारत में जो पैरानॉर्मल सोसाइटी थी, वो हमारे एक मित्र थे गौरव तिवारी जो उसके चीफ थे, वो 2014 में मर गया। उसका कुछ रीजन है? ऐसे ही हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में एक बड़ी ये है ना संगठना, क्या है वो, अंधश्रद्धा निर्मूलन वगैरह। मैं ऐसे लोगों को बोलूंगा भाई राजस्थान में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे भूत प्रेत है, वहाँ पे जाओ रात गुजारो फिर देखेंगे बात करेंगे, है ना। थोड़ा कुछ क्रिएटिव करो बच्चों, ये क्या यहाँ पे छोटे मोटे बाबा पकड़ रहे तुम, ये छोड़ो ये गतिविधियाँ, कुछ तुम बड़ा करो, जहाँ पे कोई नहीं जा रहा वहाँ जाओ, तुम समूह लेके जाओ, मैं तुमको जगह लिख देता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लिख कर दूंगा, भेजूंगा ना। तो वहाँ पे जाके ये प्रूव करो कि ये चीज़ें गलत है, हम मान जाएंगे। दुनिया भर की ऐसी यूनिवर्सिटी से उन पर केस डालो कि ये क्यों गलत ज्ञान बांट रहे हो दुनिया को। जो चीज़ हम नहीं जानते पूरी हम उसे झूठ कह देते हैं, क्योंकि हमारी समझ ही उतनी बड़ी नहीं है उस चीज़ की गहराई को समझ पाए। ज्योतिष विज्ञान के साथ यही हुआ, ज्योतिष विज्ञान के साथ यही समस्या हुई कि वो इतना डीप है और इतना हमसे जुड़ा हुआ है कि हम उसकी महत्व को समझ ही नहीं पाए। वो इतना डीप जाता है तुम्हारे भीतर
कि हर दिन, हर समस्या, हर वर्ष, हर छोटी 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 जो तुम्हारे जीवन की आने वाली गतिविधियां है वो उस पर डिपेंडेंट है, उसके हिसाब से संचालित, और उसी के हिसाब से संचालित पूरी तरह से, चाहे फिर वो इंसान हो या आसपास का निसर्ग हो या आसपास की चीज है। जिस तरह से ये सारे ग्रह तारे आसपास तुम्हारे काम करेंगे, तुम यही पाओगे कि तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा कैरी ऑन हो रही। जो लोग इसे मानने वाले हैं वो जानते हैं कि किसी विशेष प्रकार की पूजा, किसी विशेष प्रकार के अगर तुम जेमस्टोन्स का उपयोग करोगे, ऐसी कुछ चीज़ों को करोगे, किसी मंत्र को जपोगे, तो होगा ये कि तुम उस परेशानी से छूटे, उस परेशानी से तुम थोड़ा सा बाहर निकले। ये हजारों नहीं लाखों लोगों के अनुभव है। दुनिया भर में ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले 70-75% तक लोग हैं, और फिर इसकी शाखाएं भी खुली, कोई टैरो रीडर बना, कोई कुछ, कोई ये, नहीं 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 और भी उसकी शाखाएं बनी। लेकिन जो मूल है वो भारत में ही, जो मूल है वो भारत में ही है, और इसका जो मूलतम अगर पता चले, अगर सब पुरानी से पुरानी इसमें की जो विद्या है वो लाल किताब, जो गांव खेड़े का विज्ञान। मतलब हुआ ये कि जब इसे वैज्ञानिक रूप में लिखने की बारी आई तो वो लिखा गया महर्षि भृगु द्वारा। भृगु ऋषि ने इसे पूरी तरह से संचालित किया, एक मैनिफेस्ट किया, बराबर से लिखा पूरा का पूरा विज्ञान, पूरे वैज्ञानिक तौर पर। लेकिन उसके पहले जो बातें थी गांव गांव की, छोटी छोटी की, ऐसा हुआ क्या, ये कर ले, कुत्ते को खाना खिला दे, गाय को फलाना, इस तरह की जो बातें थी, ये लाल किताब की भाषा है, जो खेड़े पाड़े पे चलती थी छोटी छोटी चीजें कि अच्छा इस तरह की समस्या आ रही, क्या ये करके देख, वो करके देख, कुत्ते को ये खिला फलाना। तो लाल किताब के बारे में जो भी जानते हैं वो पाएंगे कि वहां पे जो रिजल्ट्स है, सॉरी जो सॉल्यूशंस है, वो इस तरह के, अच्छा ये हो रहा है क्या, कुत्ते को फलाना खिला दो, गाय को ये खिला दो, ढिमकाना को ढिमकाना कर दो, 10 लोगों को फलाना बांट दो, काले कपड़े इस दिन गरीबों को बांट दो, इस तरह की जो चीजें हैं वो लाल किताब में आती है, वो मुख्य तरह से लिखी गई जो ज्योतिष शास्त्र की किताब है उसमें नहीं आती। अब बिकॉज होता है कि ज्योतिष शास्त्र पढ़ने वाला सब कुछ पढ़ लेता है तो वो हर चीज तुमको बताने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। ये किसी को दान पुण्य करने से कोई ज्योतिष शास्त्र में उसका रस नहीं है, ज्योतिष शास्त्र अलग तरह से काम करता है, उसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन विज्ञान की शाखा के तहत मैं तुम्हें 3 ऐसी थ्योरी बता दूं कि जो प्रूव है, विज्ञान ने ही प्रूव करके रखी है, और उन 3 थ्योरीज को बताने के साथ ही ज्योतिष शास्त्र पूरी तरह से प्रूव हो जाए, पूरी तरह से 3 थ्योरीज के साथ। ये थ्योरी हमें पहले ही बता देता लेकिन फिर मजे चले जाते, इसे आंखें के लेकर रखा था। उसके पहले हम 1-2 चीजें मैं आपको बताऊं कि जो मैंने कहा कि मंगल पर जाने के लिए हमने जो देरी, और ऐसी बहुत सी सिविलाइजेशंस थी जो खत्म हुई समय के साथ, सिर्फ इस चीज को स्टडी ना करते हुए कि उनके ग्रह पर जिस तरह की स्त्री की कंडीशन थी वो दूसरे ग्रह पर नहीं होंगी और जीवन निर्मित के लिए उन्हें समस्या हो जाएगी। तो ये 50-60 साल का जो वक्त था ये बड़ा मजे का, और मजे का इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि विज्ञान तुम्हें पूरी बात कभी नहीं बताएगा। जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स है वो तुम्हें बताएंगे और मंगल पे जा रहे, मंगल क्यों, पानी ढूंढ, अरे बाबू अच्छा मंगल पे जा, पानी सच में, तुम्हें सच में लगता है कि बस मंगल पर पानी ढूंढने के जा रहे? वो तो भाई तुम टेलीस्कोप भी यहां से घुमा दो ना हबल तो भी पता चल जाएगा, ये सबको पता है, लेकिन बताना पड़ता है, कुछ तो बताना पड़ता है कि नहीं, हम रीडिंग्स लेने के जा रहे, फोटो लेने के जा रहे, कुछ चीजें बहुत अलग चलती है, जो मेन चीजें वो हमेशा अलग चलती है, दिखावटी चीजें कुछ अलग होती है। ये वैसे ही है कि कोई अपना पक्ष अपने मैनिफेस्टो डाले, हम रास्ते ठीक कर देंगे, हम पानी दे देंगे, हम सोने की फॉइल लगा देंगे, हर घर घर पानी होगा, घर घर नौकरी, पता तो उनको ही है, घर तो उनका ही भरेगा, लेकिन पहले तुम्हें सपना तो दिखाना पड़ेगा, तब तो तुम वोट दोगे। तो शायद ही दुनिया तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में शायद ही ऐसा कोई पक्ष है जिसने जो भी मैनिफेस्ट बनाए वो पूरी तरह से पूरा करके दिखा, शायद ही होगा। और ये हर जगह चलता है, तो आदमी हर जगह सेम ही है, चाहे रिसर्च सेंटर में बैठा हो या पक्ष में बैठा हो। तो रिसर्च सेंटर में बैठने वाले भी एक मैनिफेस्टो बनाते हैं, पानी ढूंढेंगे, जमीन की लेयर चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसीज नाप के आएंगे, ये वो, और पीछे का कुछ गणित अलग होता है हमेशा। अगर मैं तुम्हें अंदर की चीजें बता तो हंस के पागल हो जाए, जानो मुझे पता ना, क्योंकि मैंने इसरो में काम किया और मैं बहुत नजदीक से जानता, मैं बताना भी नहीं, मेरे लोग मुझे गालियां मारे। तो अगर आप देखेंगे तो 1970 और 73 और 75 के बाद ये जो मून मिशन है या स्पेस मिशन है वो थोड़ा कम हुए, कहीं पे जाने की दौड़, और ज्यादा पैसा होता गया, ज्यादा पैसा डाला गया बायोलॉजिकल रिसर्च में।
ये जो कॉस्मिक रेस थी इसको कहीं कम किया गया और बायोलॉजिकल रिसर्च में बहुत बड़े पैमाने पर पैसे को इंट्रोड्यूस किया गया। हु को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, दुनिया भर की ऐसी संगठनाएं जो बायोलॉजिकल सेक्टर्स में काम करती है उनको बहुत ज़्यादा फंडिंग की गई इस हिसाब के साथ, ताकि जल्दी से जल्दी ऐसी मशीनरी और ऐसा विज्ञान बने जो बच्चों को बना सके बिना गर्भ के। हम ऐसी टेक्नोलॉजीज को जनरेट करने में कामयाब हो भी गए अब कि अगर पुरुष और स्त्री का सिर्फ जो वीर्य है वो लिया जाए तो एक चैम्बर में हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इस तरह की पूरी विज्ञान ने खुद की अब सोय कर दी। इसका इतना ही मतलब है कि कल अगर किसी स्त्री के गर्भ में कोई प्रॉब्लम भी आता है दूसरे जगह पर जाकर, दूसरे ग्रहों पर जाकर, तो भी बच्चे पैदा करने में या नई पीढ़ी को रचना देने में हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि इस चीज को बहुत से लोग बोलेंगे है ना बेटा 50 वर्ष कौन नहीं दलोड़ खाऊंगा ना खाऊं, और ये मंगल पर जाने की रेस 2014 से के बाद से क्यों बढ़ी, उसके पहले बराबर मतलब 1970 में हम चांद पे जाके आए और उसके 50 साल के बाद हमने मार्स पे पहला मून मिशन मार्स मिशन भेजा, हमने नहीं दुनिया भर ने क्यूरियोसिटी रोवर्स भेजे, ये भेजे क्यों, 2 साल के बाद भेज देते, 5 साल के बाद भेज देते। अरे भाई जो इतना बड़ा रॉकेट आदमी 2-4 आदमियों को लेके गया चांद तक, वो छोटा सा प्रोब नहीं भेज सकता था मार्स पर। तो बबलू ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमसे हमेशा छुपाई जाती किसी अलग चीजों के लिए, लेकिन ये बड़ा जरूरी है। अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम बच्चों को बना सकते हैं किसी चेंबर में, कोई छोटे से ट्यूब में, जिसके कारण अगर इंसान दूसरे ग्रहों पर जाएगा भी तो उसे ज्यादा समस्या नहीं होगी नई निर्मिति के हिसाब से। मैं आपको बोल दूं कि जिस तरह के संकेत दिखते हैं वो ये है कि मायन सभ्यता ने 2 चीज़ें कही थी। ये नहीं कहा था कि 21 दिसंबर 2012 को पृथ्वी खत्म हो गई, ना 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 ये नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि अंत की शुरुआत, और इस अंत की शुरुआत नॉर्मली 100 ईयर्स की होती है। और अगर तुम पूरी दुनिया के हिसाब से देखो, मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूँ, इस वक्त इंसानी पॉपुलेशन है 750 करोड़ बराबर 750 करोड़, ज़्यादा ही होगी क्योंकि आदिवासी कबीलों को किसने गिना, हमारे इंडियन टेरिटरी में एक कोई तो भी द्वीप आता है मुझे नाम याद नहीं लेकिन तुमने बहुत बार सुना होगा वहाँ पे कोई आदिवासी कबीले रहते हैं, अगर कोई भी आदमी वहाँ पे जाता है तो उन्हें मार डालते हैं। तो वहाँ पे कितने लोग रह रहे हमको कुछ नहीं पता, अंदाजन है कि भाई जितना उस द्वीप का आकार है 200 लोग रहते हैं। बहुत बार लोगों ने जाने की कोशिश की लेकिन बस लाश हाथ भी नहीं आई, मार डाला डायरेक्ट। तो ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर इंसानी अभी तक पहुंच नहीं पाए अपने ही दुनिया देश में। तो अगर तुम पूरी पृथ्वी की स्थिति देखो तो स्थिति फिलहाल यह है कि हमारी जो सॉइल है वो खराब हो रही। विज्ञान मानता है कि अगले 50 सालों में हमारे दुनिया का हाल ये हो जाएगा कि सिर्फ 70% ऑफ द लैंड, जो अभी जितनी भी लैंड हम जितना भी ग्रो करते हैं धान को, उसमें से 70% लैंड ही होगी जो एबल रहेगी पीक को या खेती को बनाए गए हिसाब से, जिस पर 70% ही लैंड ऐसी होगी जिस पर खेती की जा सकेगी जितना अभी कर सकते हैं उसके हिसाब से। 1960s में ये हुआ था कि चाइना ने दुनिया भर मतलब उनके जो पूरे का पूरा देश है उसमें बहुत सारा जो एरिया है वो डेजर्ट एरिया है, तो चाइना की 80% ऑफ द पॉपुलेशन है ना वो पूर्व की ओर रहती है, 80-85% पूरी पॉपुलेशन, और ये जो बीच का एरिया दिखता है ना इतना बड़ा चाइना वो पूरा बेयर लैंड है, वहाँ पे कोई रहता नहीं, ऐसे ही खाली पड़ा हुआ एरिया, कोई वहाँ पे जंगल भी नहीं। तो चाइना ने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया था कि वहाँ पे हम पेड़ लगाएंगे, ये 4,500 किलोमीटर के एरिया में करोड़ों पेड़ लगाएंगे। जब तुम निसर्ग के साथ खेलते हो ना तब क्या होता है देखो, 2010 में और पेड़ लगाए गए, पता ये चला कि सारे के सारे पेड़ खराब, क्योंकि उस लैंड की थे ही नहीं, उस लैंड में उस तरह के पेड़ लग ही नहीं सकते थे, हमारी खुद की बेवकूफ़ी ने हमें डुबा दिया। और ये जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है ये खराब हो रहा है, ये पोल्यूटेड हो रहा है, और मजे की बात इन्हें अभी ही याद आया मंगल पर जाना, वो भी अगले 100 साल के भीतर उन्हें 1,000 लोगों को वहां पर कैरी ऑन करना है। तो ये भीतर में ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही है जो ऊपर ऊपर से हमें दिख नहीं। 2010 में अगर आप याद करें कि टीवी पर एक न्यूज़ बहुत चलती थी और वो न्यूज़ ये थी कि भाई ग्लोबल वार्मिंग,
ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, दुनिया को डुबा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये 2010-11 में बहुत न्यूज़ें चली, कभी भी तुम टीवी खोलो न्यूज़ चली रही थी ग्लोबल वार्मिंग की। टीवी वालों को तो भाई नया विषय मिल गया था, बहुत बहुत पूरा डेमो खड़ा कर देते थे, ये पानी डूब रहा है, सिटियाँ डूब रही है, फलाना ढिमका। उसके बाद कहीं ग्लोबल वार्मिंग की न्यूज़ बंद। पिछले 10 सालों में शायद ही किसी टीवी न्यूज़ वालों ने 10 मिनट से ज़्यादा, 5 मिनट से ज़्यादा, 2 मिनट से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग शब्द का उपयोग किया। उन्होंने यही कह सकते हैं कि ये जो निसर्ग में हो रही तब्दीलियाँ है, बहुत से एक्सपर्ट्स इसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण बता रहे हैं कि इतना ही यूज़ करेंगे। उसका हुआ यूँ कि 2012-10-11 के आसपास पेरिस एग्रीमेंट हुआ और दुनिया भर की वो कंपनियाँ जो CO2 इमिशन कर दी थी उन्हें लेटर्स भेजे गए कि यू मस्ट कट इट डाउन। अब करोड़ों रुपए कमाने वाली कंपनियां सिर्फ ये निसर्ग के कारण और ये न्यूज़ वालों के कारण और ये आंदोलनों के कारण खुद का करोड़ों रुपए क्यों डुबाए? तो इन्होंने एक $1 बिलियन फंड एकत्रित करके इन कंपनियों को बांटा, इन पॉलिटिशियंस को बांटा, और उसके बाद पिछले 10 सालों में तुम पाओगे कि कोई भी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड न्यूज नहीं है। ऐसा थोड़ी कि ग्लोबल वार्मिंग काम नहीं करती, हम सब जानते हैं कि काम करेगी। अब सब जानते हैं कि निसर्ग के साथ क्या हाल हो रहा है और ये सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई है, इसलिए तो काम कर रहा, क्योंकि चांद, सितारे, ये सारे एक दूसरे पर बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे।